Hello students, today we will learn class 3 EVS chapter number 15 fun with clay. Once there was a kothimbu, one fruit. Ek kothimbu tha, kothimbu ek fruit hota hai is tarah ka. It was running fence by fence. Fence ke paas wo dod raha tha. Fence yani ki is tarah ke kisi farm ya ghar ke aspas ya garden ke aspas jo bhi baad banai jati hai use fencing kehte hai. वहाँ पर उसके पास वो कोठिम्बू फ्रूट दौड़ रहा था. देयर केम वन क्रो. बाय सीइंग इट क्रो वॉन्टेड टू ईट द कोठिम्बू. वहाँ पर एक क्रो यानी कि कौवा आया और उसने उस कोठिम्बू को देखा और उस क्रो को उस कोठिम्बू को खाने का मन हुआ. क्रो उस कोठिम्बू को खाना चाहता था. क्रो हैड ओपन्ड इट्स बीक टू ईट कोठिम्बू. इट सेड बापू यू कैन नॉट ईट मी बाय डर्टी बीक. फर्स्ट फाइंड सम वाटर एंड वॉश इट. तो क्रो ने जैसे ही अपनी बीक ओपन की उस कोठिम्बू को खाने के लिए, तभी उस कोठिम्बू ने उससे कहा कि आप पहले अपनी जो डर्टी बीक है यानी कि जो चोंच आपकी ख़राब है उसे अच्छे से पानी से धोकर आइए, फिर मुझे खाना. क्रो वेंट नियर द वेल टू वॉश इट्स बीक. अब क्रो एक वेल के पास, वेल मीन्स कुआ, कुएं के पास वो गया अपनी चोंच को धोने के लिए. इट सेड टू द वेल, वेल वेल ओ वेल हियर कम्स अ क्रो. Give me water to wash my beak so that I can eat kothimbu. It's yummy yummy. Crow ने whale से कहा कि whale मुझे पानी चाहिए, आप मुझे पानी दो, फिर मैं उस पानी से अपनी चोंच को साफ करूँगा और फिर मैं उस kothimbu को खाऊँगा जो बहुत ही yummy यानी कि tasty है. Whale said, if you want water, go to the potter and bring a pot, then fetch water. वेल ने कौवे से कहा कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो सबसे पहले तुम पॉटर के पास जाओ और उससे एक पॉट लेकर आओ, फिर उसमें तुम पानी भर के लेके जाना. पॉटर यानी कि जो पर्सन मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम पॉटर बोलते हैं. क्रो फ्लू अवे टू द पॉटर. फिर वो क्रो उड़ के पॉटर के पास गया. एंड इट सेड टू द पॉटर, पॉटर पॉटर ओ पॉटर हियर कम्स अ क्रो. गिव मी अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बीक टू ईट कोठिम्बू. इट्स यमी यमी. अब उसने पॉटर से भी कहा कि पॉटर पॉटर यहाँ पे मैं क्रो हूँ, मैं आया हूँ, मुझे पानी लाने के लिए एक पॉट दो कि जिससे मैं उस पानी से अपनी चोंच को साफ करूँगा, फिर मैं कोठिम्बू को खाऊँगा कि जो बहुत ही यमी यमी है. पॉटर सेड ब्रिंग सम क्ले सो दैट आई कैन मेक अ पॉट. पॉटर ने क्रो से कहा कि अगर तुम्हें पॉट चाहिए तो तुम सबसे पहले क्ले यानी कि मिट्टी लेकर आओ तो मैं उससे तुम्हें पॉट बनाकर दूंगा. सो क्रो वेंट टू टिम्बा हीप ऑफ सॉइल. अब जो क्रो है वो टिम्बा यानी कि हीप ऑफ सॉइल मीन्स जो मिट्टी का ढेरा होता है वहाँ पर वो गया. टिम्बा टिम्बा ओ टिम्बा हियर कम्स अ क्रो. गिव मी क्ले टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बीक टू ईट कोठिम्बू. इट्स यमी यमी. क्रो ने फिर टिम्बा जो मिट्टी का ढेरा था, हीप ऑफ सॉइल था, उससे उसने कहा कि मुझे क्ले दो, मुझे मिट्टी दो जिससे मैं वो पॉटर के पास से एक बर्तन बनाऊंगा और उससे मैं पानी निकालूंगा, उस पानी से मैं अपनी चोंच साफ करूंगा और फिर मैं कोठिम्बू फ्रूट खाऊंगा कि जो बहुत ही टेस्टी है. टिम्बा सेड टेक हॉर्न ऑफ अ डियर हु सेड नो टू यू. टिम्बा ने उस क्रो से कहा कि तुम डियर का हॉर्न, डियर मीन्स हिरन, उसका हॉर्न यानी कि उसके जो सिंग होते हैं वो लेके आओ कि जिससे तुम खुदाई करके मिट्टी ले सकते हो, फिर मैं तुम्हें मिट्टी दे दूंगा. डियर डियर ओ डियर हियर कम्स अ क्रो. गिव मी अ हॉर्न टू डिग सॉइल टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बीक टू ईट कोठिम्बू. इट्स यमी यमी. नाउ द क्रो वेंट टू द डियर. क्रो डियर यानी कि हिरन के पास गया और उससे भी उसने कहा कि मुझे तुम्हारे सींग दो कि जिससे मैं मिट्टी की खुदाई करूंगा और वो मिट्टी पॉटर कर दूंगा, पॉटर उससे पॉट बनाएगा, फिर मैं उससे पानी निकालूंगा, उससे मेरी चोंच साफ करूंगा, देन आई विल ईट कोठिम्बू विच इज़ वेरी यमी यमी. डियर सेड यू कम टू मी एंड टेक माई हॉर्न गो एंड आस्क टू डॉग इट विल किल मी. डियर ने उससे कहा कि तुम मेरा सींग ले सकते हो लेकिन पहले तुम डॉग के पास जाओ और उससे पूछो, वो मुझे मार देगा. क्रो went to dog and said, dog, dog, oh dog, here comes a crow to scare the deer so I can take its horn and dig soil to give to the potter to make a pot to fetch water to wash my beak to eat kothimbu. It's yummy yummy. Now the crow went to the dog. Crow जो है वो dog के पास गया और उसने उससे कहा कि तुम उस deer को डराओ जिससे वो मुझे अपने horn देगा और मैं उससे soil को खुदाई करूंगा और उसको मैं पॉटर को दूंगा, फिर पॉटर मुझे पॉट बना के देगा. और आगे जो भी सेम चीज़ वो बोलता आ रहा था वही उसने उससे बताई.
Dog said, "Oh, bhai, I am too hungry. Bring milk of cow so that I can drink it and scare the deer." अब डॉग ने उससे कहा कि भाई मैं बहुत ही हंग्री मीन्स भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, पहले तो मुझे काऊ से मिल्क ला के दो, मैं वो पीऊँगा, उसके बाद मैं डियर को डराऊँगा। द क्रो वेंट टू द काऊ एंड सेड, काऊ काऊ ओ काऊ, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी मिल्क टू गिव टू द डॉग, टू स्केयर द डियर, टू गेट हॉर्न, टू डिक सॉइल, टू गिव टू द पॉटर, टू मेक अ पॉट, टू फेच वाटर, टू वॉश माई बीक, टू ईट कोठिम्बू, इट्स यमी यमी। उसने काऊ से जाके कहा कि काऊ गिव मी मिल्क टू गिव टू द डॉग, मुझे दूध दो जो मैं डॉग को दूंगा, फिर डॉग उस हिरन को डराएगा, वो मुझे हॉर्न देगा जिससे मैं मिट्टी की खुदाई करूंगा, उस मिट्टी से पॉटर मुझे पॉट बना के देगा जिससे मैं पानी निकालूंगा, मेरे बीक साफ करूंगा और फिर यम्मी टेस्टी कोठिम्बू फ्रूट खाऊंगा। काऊ सेड, आई एम वेरी हंग्री, गिव मी ग्रास एंड फीड मी, देन टेक माई मिल्क। अब जो काऊ है वो भी बोल रहे हैं कि उसे बहुत ही भूख लगी है, शी इज़ वेरी हंग्री, और उसे खाने के लिए ग्रास मीन्स घास चाहिए, तो वो उससे बोल रहे हैं कि मेरे लिए घास लेकर आओ, मुझे खिलाओ, फिर तुम मेरा दूध ले लेना। देन क्रो वेंट टू ब्रिंग ग्रास फ्रॉम फील्ड एंड सेड, फील्ड फील्ड ओ फील्ड, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी ग्रासेस टू गिव टू द काऊ, टू फेच मिल्क फ्रॉम इट। नाउ द क्रो वेंट टू द ग्रास फील्ड, जहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगी है ऐसे फील्ड पर वो क्रो गया, वहाँ जाके वो उस फील्ड से बोला कि मुझे घास दो, वो मुझे गाय को खिलानी है और मुझे उससे मिल्क लेना है। टू ड्रिंक द डॉग, टू स्केयर द डियर, टू गेट हॉर्न, टू डिक सॉइल, टू गिव टू द पॉटर, टू मेक अ पॉट, टू फेच वाटर, टू वॉश माई बीक। वो जो दूध है वो डॉग को पीना है, उसके बाद वो डॉग हिरन को डराएगा, वो मुझे हॉर्न देगा जिससे मैं मिट्टी की खुदाई करूँगा, फिर वो मैं पॉटर को दूंगा, फिर पॉटर उससे पॉट बनाएगा जिससे मैं पानी निकालूंगा और मेरी चोंच को साफ करूँगा। टू ईट कोठिम्बू, इट्स यमी यमी। फील्ड सेड, ओ भाई, ब्रिंग सिकल फ्रॉम ब्लैक स्मिथ एंड कट द ग्रास। अब जो फील्ड है वो उससे बोल रहा है कि तुम ब्लैक स्मिथ के पास जाओ और उससे घास काटने के लिए सिकल लेके आओ। ब्लैक स्मिथ कौन होता है? ब्लैक स्मिथ वो पर्सन होता है कि जो आयरन के टूल्स बनाता है, और फील्ड ने उस क्रो को ब्लैक स्मिथ के पास से सिकल लाने के लिए कहा है। सिकल एक इस तरह का टूल होता है कि जिससे हम घास को काट सकते हैं। क्रो वेंट टू ब्लैक स्मिथ एंड सेड, ब्लैक स्मिथ ब्लैक स्मिथ ओ ब्लैक स्मिथ, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी सिकल टू कट ग्रास टू गिव टू द काऊ। उसने ब्लैक स्मिथ के पास जाके कहा कि मुझे घास काटने के लिए सिकल दो, जो घास मुझे काऊ को देना है। टू फेच मिल्क, टू ड्रिंक द डॉग, टू स्केयर द डियर, टू गेट हॉर्न, टू डिक सॉइल। काऊ से मुझे डॉग के लिए मिल्क लेना है, वो डियर को डराएगा, उससे मुझे हॉर्न मिलेगा जिससे मैं सॉइल की खुदाई करूँगा। टू गिव इट टू द पॉटर, टू मेक अ पॉट, टू फेच वाटर, टू वॉश माई बीक, टू ईट कोठिम्बू, इट्स यमी यमी। वो सॉइल में बर्तन बनाने के लिए पॉटर को दूंगा, उस बर्तन से मैं वेल से पानी लूंगा, उससे मैं अपनी चोंच साफ करूंगा, फिर उसके बाद मैं यम्मी टेस्टी कोठिम्बू खाऊंगा। ब्लैक स्मिथ सेड, टेक दिस सिकल, क्रो टूक अ सिकल एंड वेंट टू द फील्ड। नाउ द ब्लैक स्मिथ गेव हिम सिकल, उस ब्लैक स्मिथ ने उस कौवे को सिकल दिया। आफ्टर टेकिंग द सिकल द क्रो वेंट टू द फील्ड, सिकल लेने के बाद उसे लेकर क्रो फील्ड पर गया। इट टुक सम ग्रास एंड फेड द काऊ, सिकल की हेल्प से उसने उस फील्ड पर कुछ ग्रास काटी और वो ग्रास उसने काऊ को खिलाई। देन टुक हर मिल्क एंड गेव टू द डॉग टू ड्रिंक, फिर उसने उस काऊ से दूध लिया और वो डॉग को पीने के लिए दिया। द डॉग रैन टू स्केयर द डियर सो इट गेव अ हॉर्न, फिर डियर को डराने के लिए डॉग उस डियर के पीछे भागा तो उस डियर ने उसको एक हॉर्न यानी कि अपना एक सींग दिया। With that horn, the crow dug the soil and gave it to the potter. Now, what did the crow do? अब उस क्रो ने क्या किया? उसने उस हॉर्न के हेल्प से उस जमीन की उस मिट्टी की खुदाई की और वो मिट्टी उसने जाके पॉटर को दी। The potter make a pot, then crow had fetched water and washed its beak and ate कोठिम्बू। फिर उस पॉटर ने उस मिट्टी से एक पॉट बनाया जिससे उस कौवे ने वेल से पानी लिया, फिर अपनी चोंच अच्छे से साफ की और फिर उसने वो कोठिम्बू खाया। स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। थिंक एंड राइट, व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट, उस क्रो को पॉट की ज़रूरत क्यों थी? द क्रो नीडेड अ पॉट टू फेच अ वाटर फ्रॉम अ वेल, वेल से पानी लाने के लिए उस क्रो को पॉट की ज़रूरत थी।
हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट? क्रो को पॉट बनाने में किन किन लोगों ने उसकी हेल्प की? पॉटर, वेल, टिम्बा, डियर, डॉग, काउ, फील्ड एंड ब्लैक स्मिथ हेल्पड द क्रो टू मेक द पॉट। वॉट थिंग्स डिड द पॉटर नीड? उस पॉटर को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत थी? द पॉटर नीडेड क्ले, वाटर, अ पॉटर्स व्हील एंड किल। आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस विच आर दीज? क्या आपके घर में भी मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं? अगर है तो वो कौन से बर्तन हैं? येस देयर इज एन अर्थन पॉट जिसे हम मटका बोलते हैं एंड अ फ्लावर वास इन माई हाउस। नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू एंड द नेम ऑफ द एक्टिविटी इज अबाउल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले। आपको मिट्टी के बॉल से एक बाउल यानी कि एक कटोरा बनाना है। नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल। आपको मिट्टी में पानी डाल के उसे गूंथना है और उसका एक डो बनाना है। जिस तरह से मम्मी रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथती है और उसका डो बनाती है, उसी तरह आपको मिट्टी का डो बनाना है। यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर बाय प्रेसिंग सो दैट इट लुक्स लाइक अ बाउल। फिर आपको उसके बीच में आपके थंब से आपके अंगूठे से प्रेस करते जाना है और फिर वो एक बाउल की तरह उसका शेप बनेगा और बाउल की तरह वो दिखेगा। यू कैन सी दिस पिक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो किस तरह से प्रेस कर रहे हैं और किस तरह उसे बाउल का शेप दे रहे हैं। आपको भी बिल्कुल इसी तरह करना है। लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट इट। फिर उसे आपको सूखने देना है और फिर उसको कलर से, स्टोन से डेकोरेट करना है। यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बाउल। फिर आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो आप इस बाउल के अंदर रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज अ बाउल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले। मिट्टी के रोल से बाउल बनाना हम सीखेंगे। नीड सम क्ले विथ वाटर, कीप असाइड सम क्ले मिक्सड विथ वाटर। आपको पानी से कुछ मिट्टी को गूंथना है, उसमें से कुछ मिट्टी को आपको पानी में मिक्स करके ऐसे ही रख देना है। दिस विल सर्व एज ग्लू टू बाइंड टू डिफरेंट पीसेस ऑफ नीडेड क्ले। इस तरह से जो मिक्स की हुई मिट्टी है उसे आप एज अ ग्लू यूज कर सकते हो। टेक अ पार्ट ऑफ द नीडेड क्ले एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाती। अब आपको मिट्टी का छोटा सा डो लेना है और उसको चपाती की तरह बेलना है। दिस विल बी द बेस ऑफ द बाउल। ये उस बाउल का बेस यानी नीचे का पार्ट होगा। रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक स्नेक। फिर बाकी की जो मिट्टी है उसे आपको इस तरह से रोल करना है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे बोला है कि आपको सांप की तरह उसे इस तरह से लंबा लंबा आपको रोल बनाना है। फिक्स द स्नेक शेप्ड क्ले ऑन द बेस टू मेक अ पॉट एज शोन इन द पिक्चर। फिर आपको ये जो थर्ड पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो, इस तरह से जो पहले हमने बेस बनाया है उस पर ये जो अभी हमने मिट्टी का रोल बनाया है उसे एक के ऊपर एक लेयर उसका फिक्स करते जाना है और फिर उसका इस तरह से शेप बनता जाएगा। इन लेयर्स को चिपकाने के लिए हमने जो गीली मिट्टी थोड़ी सी साइड पे छोड़ दी थी वो हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी यू विल गेट अ बाउल लाइक दिस। थिंक एंड टेल अ पॉट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले। अब हम मिट्टी की चपाती से पॉट बनाना सीखेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उनको देखकर आपको एक पॉट बनाना है। वॉट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दिस पॉट्स ओवर नाइट। इस तरह का पॉट बनाने के बाद अगर आप उस पॉट में पूरी रात पानी भर के रखोगे तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें पूरी रात पानी भर कर रखेंगे तो ये जो पानी है इसमें जो बर्तन की मिट्टी है वो धीरे धीरे उस पानी में मिक्स होती जाएगी और फिर वो बर्तन टूट जाएगा। वी ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट होम और इन द स्कूल। व्हाई डू दिस पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमने जो अभी पॉट बनाया उसमें हमने पूरी रात पानी भर के रखा तो वो जो पॉट है वो टूट गया। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि हमारे घर में, स्कूल में या कहीं पर भी मिट्टी का जो मटका होता है उसके अंदर पानी भर के रखते हैं तो वो मटका क्यों ख़राब नहीं होता है? क्योंकि उस पॉट को बनाने के बाद उसे अच्छे से किल्न के अंदर आग में सेका जाता है, उसे अच्छे से बेक किया जाता है। इसीलिए वो पॉट पानी भरकर हम उसे कितने भी दिन रखते हैं तो भी वो ख़राब नहीं होता है।
हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ किल्न? क्या आपने कभी किसी पॉट्स को या जो ब्रिक्स होती है जो हम घर बनाने में यूज़ करते हैं उनको कभी भी किसी भट्टा में किसी किल्न में इस तरह से बेक करते हुए देखा है? स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉटर ब्रिंग्स क्ले एंड मेक्स डो ऑफ इट. देन ही नीड्स इट प्रॉपरली. वो उसे अच्छे से गूंथता है. After that, he makes different pots with the help of a potter's wheel. Potter के पास एक इस तरह का wheel होता है जिसे potter's wheel कहते हैं. इसी के ऊपर वो अलग अलग shapes के pots बनाता है. Then he keeps them to dry. उन्हें सूखने के लिए वो रख देता है. After that, he bakes them in a kiln. फिर वो उन्हें इस तरह से आग की जो भट्टी होती है उसे kiln कहते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर वो उन्हें अच्छे से बेक करता है. एंड एट लास्ट ही पेंट्स एंड डेकोरेट्स देम. इस तरह से पॉटर जो भी पॉटरी है जो भी पॉट से वो बनाता है. लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स व्हाट डिड दोज पीपल डू. कई सालों पहले जब लोगों के पास पॉट्स यानी कि बर्तन नहीं होते थे तब वो क्या करते थे. एट दैट टाइम पीपल वर यूजिंग लीव्स ऑफ ट्री. लोग उस वक्त पेड़ों के पत्तों का यूज़ करते थे, उसमें वो लोग खाना वगैरह खाते थे. बट आफ्टर सम टाइम्स दे रियलाइज दैट दे नीड समथिंग टू स्टोर फूड एंड वाटर. उन्हें ऐसे लगने लगा कि उन्हें फूड यानी कि खाना और पानी को स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए. आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड थिंकिंग दे लर्न टू मेक पॉट्स. इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले. फिर बहुत सारे एफर्ट्स के बाद वो मिट्टी और पत्थर के बर्तन बनाना सीखे. इमेजिन वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस. स्टूडेंट्स, आपको इमेजिन करना है कि किसी दिन पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया से सारे बर्तन जो है वो अचानक गायब हो गए तो फिर आपके घर में क्या होगा. विदाउट पॉट्स आवर लाइफ विल बी इन ट्रबल. इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कुक द फूड. बिना पॉट्स के हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे. सबसे पहले तो हम खाना ही नहीं बना पाएंगे. वी विल नॉट बी एबल टू स्टोर फूड और वाटर. वी विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स. हम फूड और वाटर को स्टोर नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे. स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड. वी विल मीट वेरी सून विद द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर.